वेलकम टू माय गाइस यूट्यूब चैनल। तो आज की स्टूडियो में आप लोग बताने वाला हूँ टॉप 5 न्यू ऑफलाइन गेम्स फॉर एंड्रॉइड। और गाइस आज की स्टूडियो में आप लोगों को न्यू गेम्स बताऊंगा। उन सभी गेम्स की ग्राफिक्स काफी अच्छे होने वाली है और काफी अदर यूनिक गेम्स आज की स्टूडियो में मैंने रखी है। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके बताना आप लोगों को इसमें से कौन सा गेम सबसे अच्छा लगा। और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो नंबर फर्स्ट में आ गेम आया था ऑफ द रोड। इस गेम का साइज आप लोगों को 388 MB देखने को मिलेगा और ये गेम आप लोगों को पूरी तरीके से ऑफलाइन देखने को मिलेगा। इस गेम के अंदर में आप लोगों को एक काफी बड़ा इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। इसके अंदर में आप लोग काफी सारे व्हीकल्स को ड्राइव कर सकते हो और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे मिशंस भी काफी सारे देखने को मिलेंगे। और इस गेम के अंदर में आप लोगों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड भी देखने को मिलता है जहाँ पे आप लोग काफी सारे ऑनलाइन मिशंस भी कर सकते हो। और इस गेम की ग्राफिक्स आप लोगों को काफी अच्छे देखने को मिलेगी और इस गेम के अंदर में आप लोगों को पूरा पूरा रियलिस्टिक फिजिक्स वाला सिस्टम देखने को मिलता है। सो गेम का कंसेप्ट काफी सिंपल सा, अगर अच्छे लगे तो एक बार इस गेम को जरूर ट्राई करना। सो नंबर सेकंड का गेम आया था रैग्ड। इस गेम का साइज आप लोगों को 66 MB देखने को मिलेगा और ये गेम भी आप लोगों को पूरी तरीके से ऑफलाइन देखने को मिलेगा। सो ये भी एक फुली ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है। वैसे तो काफी बड़ा आप लोगों को मैप देखने को मिलता नहीं है बट इसके अंदर में आप लोगों को काफी सारे रेसिंग ट्रैक्स देखने को मिलेंगे और काफी सारे स्टंट ट्रैक्स भी देखने को मिलेंगे। इस गेम के ग्राफिक्स आप लोगों को काफी अच्छे देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा कलरफुल टाइप के इस गेम के ग्राफिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इसके अंदर में भी आप लोगों को पूरा पूरा रियल फिजिक्स वाला सिस्टम देखने को मिलता है। और इस गेम के कंट्रोल्स भी आप लोगों को काफी सिंपल से देखने को मिलेंगे और इस गेम के अंदर में आप लोगों को काफी सारी कार्स जो देखने को मिलेगी वो काफी ज्यादा कार्टूनिश टाइप के आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो इस गेम का भी कंसेप्ट काफी सिंपल सा होने वाला है और ये गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है और कम साइज में। तो अगर आप लोगों को लो एंड डिवाइस के लिए एक ऑफलाइन गेम चाहिए तो आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। सो नंबर थर्ड पे आ गेम आया था ड्यूड थर्फ्ट वॉल। इस गेम का साइज आप लोगों को 105 MB देखने को मिलेगा और ये गेम भी आप लोगों को पूरी तरीके से ऑफलाइन देखने को मिलेगा। इस गेम के अंदर में आप लोगों को पूरा पूरा एक बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट देखने को मिलने वाला है। पूरा पूरा आप लोगों को GTA 5 वाला कंसेप्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा गेम के अंदर में आप लोगों को काफी सारे छोटे छोटे मिशंस देखने को मिलते हैं जिसे कि आप लोगों को कंप्लीट करना रहता है। और इस गेम के ग्राफिक्स आप लोगों को पूरी तरीके से कार्टूनिश देखने को मिलेगी। सब कुछ एकदम कार्टून टाइप का देखने को मिलने वाला है बट इस गेम के अंदर में आप लोगों को काफी सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों को नॉर्मली किसी भी ओपन वर्ल्ड गेम में देखने को नहीं मिलते हैं। और इस गेम के अंदर में आप लोगों को GTA की तरह इसके अंदर में काफी सारे चीट कोड्स भी देखने को मिलेंगे। सो देखा जाए तो ये गेम भी एक काफी अच्छा ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है। सो अगर आप लोगों को GTA टाइप का कोई भी गेम चाहिए तो आप लोग एक बार इस गेम को जरूर ट्राई करना। सो नंबर फोर्थ पर गेम आया था टैक्सी सिमुलेटर 2016। इस गेम का साइज आप लोगों को 100 MB देखने को मिलेगा और ये गेम भी आप लोगों को पूरी तरीके से ऑफलाइन देखने को मिलेगा। सो जैसा कि गेम के नाम में ये टैक्सी सिमुलेटर, तो ये एक टैक्सी ड्राइविंग गेम होने वाला है जिसके अंदर कि आप लोगों के पास एक टैक्सी होती है और उसे आप लोगों को चला करके पैसे कमाने रहते हैं। सो इस गेम के अंदर में आप लोगों को काफी सारी टैक्सीज देखने को मिलेगी और आप लोगों को कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को गेम के अंदर में काफी सारी सिटीज देखने को मिलेंगे, काफी सारे डिफरेंट लोकेशंस देखने को मिलते हैं। और इस गेम के अंदर में आप लोगों को डे नाइट साइकिल देखने को मिलता है और भी आप लोगों को इसके अलावा आप लोगों को काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो गेम की ग्राफिक्स साइज के हिसाब से काफी अच्छी आप लोगों को देखने को मिल जाती है और ये लो एंड डिवाइस के भी अंदर में काफी स्मूथली वर्क करता है। और सभी कार्स के अंदर में आप लोगों को काफी सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के इंटीरियर्स देखने को मिलेंगे। और इस गेम के कंट्रोल्स भी आप लोगों को काफी सिंपल से देखने को मिलेंगे, कोई भी कंट्रोल कर सकता है। और इसके अंदर में आप लोगों को कैमरा एंगल चेंज करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। सो इस गेम का भी कंसेप्ट काफी यूनिक सा होगा, आप लोगों को पसंद आए तो इस गेम को एक बार ही ट्राई करना। सो नंबर फिफ्थ में आ गेम आया था टीलेस हॉप। इस गेम का साइज आप लोगों को 82 MB देखने को मिलेगा और ये गेम आप लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट का गेम होने वाला है। इसके ऐड होगा आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे चलते हुए देखे होंगे पहले। इस गेम के अंदर में आप लोगों को एक बॉल को जंप कराते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना रहता है। उसके बीच में आप लोग कोई भी सॉन्ग वगैरह लगा सकते हो और गेम की थीम्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हो, काफी कलरफुल है और चेंज भी होती रहती है जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। और सॉन्ग्स के अंदर में आप लोगों को इसके अंदर में कुछ सॉन्ग्स पहले से ही देखने को मिलेंगे बट अगर आप लोगों को अलग से भी लगाने तो आप लोग लगा सकते हो। सो इस गेम का भी कंसेप्ट सबसे ज्यादा अलग है। सो अगर आप लोगों को अच्छी तो इसे भी एक बार जरूर ट्राई करना। सो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मेरे को कमेंट्स बताना आप लोगों को इसके अंदर से सबसे अच्छा गेम कौन सा लगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।